हे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मजे कर रहे होंगे अपने घर पर, अच्छे से रह रहे होंगे, मुझे आशा है। आप पढ़ रहे होंगे और थोड़ा थोड़ा कुछ अपना एंटरटेनमेंट में भी लगे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर बैनर पर देख पा रहे हैं, हम बात करेंगे आज किसके बारे में, प्रवक्ता पीजीटी या चयन परीक्षा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने विभाग में, अपने डिपार्टमेंट में नागरिक शास्त्र की कुछ वैकेंसी निकाली है, जो कि यहाँ पर आपकी काफी वैकेंसी है। आपको तो बस एक ही चाहिए, तो उसी के हम लोग आगे तैयारी में लगे हैं और हम लोग आपके साथ आज डिस्कस करेंगे अध्ययन की विशेषताएं, अध्ययन की विभिन्न विधियां, नागरिक शास्त्र की अध्ययन की विधियां। क्या बात करेंगे हम लोग यहाँ पर नागरिक शास्त्र के सिविक्स की स्टडी मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको कोई डाउट हो, कोई आपको जिज्ञासा हो, कोई मन में विचार चल रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी जिज्ञासा का कोशिश करेंगे, शिक्षा से रिलेटेड, लेकिन ओनली केवल किससे, शिक्षा से रिलेटेड आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए, उसे हम लोग शांत करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, हम लोग अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। मैं तेजेंद्र सिंह आपको ज्ञान में कुछ वृद्धि करने का प्रयास करता हूँ। तो आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर बात कर रहे हैं नागरिक शास्त्र के अध्ययन की विभिन्न विधियां, पद्धतियों का वर्णन। किसी भी विषय को समुचित अध्ययन करने से पूर्व उस विषय की अध्ययन विधियों पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। ऐसा करने से हमें किसी विषय को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन कर सकते हैं। मतलब यदि हमें क्या नागरिक शास्त्र का अध्ययन करना है, तो उसके हमें सरलता से, उसको हमें सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। क्या कि हम लोग उसको कैसे स्टडी कर सके, किस तरह लेवल पे, किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। नागरिक शास्त्र विज्ञान और कला दोनों है, अतः अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति इस विषय को भी सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। प्रत्येक विषय की कुछ विशेष अध्ययन पद्धति होती है। सामाजिक विज्ञान होने के नाते नागरिक शास्त्र में भी अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति वैज्ञानिक तथा कलात्मक दोनों प्रकार की अध्ययन विधियां। मतलब यहाँ पर ये वैज्ञानिक भी है, कलात्मक भी है, आर्ट्स भी है, साइंस भी है, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम लोग इससे, सबसे पहले हम लोग ऐतिहासिक पद्धति के रूप में जानेंगे से किसे, सिविक्स को। यहाँ पर नागरिक शास्त्र को इतिहास के रूप में पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। इस पद्धति के माध्यम से ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर किसी विषय का अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ पर हम लोग ऐतिहासिक तथ्य क्या रहे, उसके प्राचीन समय में किस तरीके से उसको पढ़ा जाता था, किस तरीके से उसके साथ वर्क किया जाता था, वो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। मनुष्य के अतीत के जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। मतलब यदि हमें व्यक्ति, मनुष्य जो हम लोग हैं, हम किस प्रकार से रहते थे, हमारा किस प्रकार से कार्य किया जाता था, हम लोगों के यहाँ पर खाने पीने का, रहने का, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, हमारी राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी। हमने देखा कि प्राचीन काल में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर जंगलों में रहते थे, एक आदि मानव के रूप में रहते थे, है ना। आपने भी देखा है कि हम लोग कपड़े नहीं पहनते थे, बिन कपड़ों के रहते थे, फिर बाद में जैसे जैसे डेवलप हुए, फिर हम लोगों ने यहाँ पर पेड़ों के छाल को पहनना शुरू कर दिया, पत्तियों को पहनना शुरू कर दिया, केले के पत्ते, या फिर मनुष्य ने जानवरों की खाल को पहनना शुरू कर दिया, स्किन को पहनना शुरू कर दिया, तो इसी प्रकार से उनका जीवन आगे बढ़ता गया। तो हमें इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर स्पार्टा है, यहाँ पर ठीक रोमन साम्राज्य है, ब्रिटेन्स है, यहाँ पर अलग अलग साम्राज्य हुए, तो उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, वो भी हमारे इतिहास के बारे में बताती है कि उस प्रकार से वहाँ पे धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन किस प्रकार से थे, लोग किस तरीके से रहते थे, राजा होते थे और वहाँ पे उनके सभा समिति होती थी, उन सभा समिति के होते थे, जो कि एक ऊंची होता था, एक निचला सदन होता था, यहाँ पर इसके बारे में बात की जाती है। इतिहास अतीत काल के मानव जीवन, समाज, राज्य आदि के उत्थान पतन का विवरण। मतलब यहाँ पर जो हम लोग बात करें उत्थान पतन, मतलब यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता कैसे बढ़ी, आर्यों के आने से बढ़ी, या आर्यों ने बढ़ाया, या फिर उसका दमन क्या हुआ, उसे समाप्त होने का कारण है, फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य काल है, फिर यहाँ पर और दूसरे काल है, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर यहाँ पर ठीक है। तो उन कालों का वर्णन पढ़ते हैं हम लोग, सब राजनीति से, इतिहास से रिलेटेड पढ़ते हैं। प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था के गुण दोषों को जानकर प्राप्त है कि वहां की विशेषता क्या थी, वहां पर उन्होंने क्या किया। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोगों ने इतिहास में बात करें तो तोलने की, तो यहाँ पर तो तराजू की व्यवस्था की गई, फिर उन्होंने बाटिंग सिस्टम था पहले, कि एक सामान से दूसरे सामान को लाने का, लेने का प्रदान किया जाता था। लेकिन बाद में क्या, जब तराजू का सिस्टम हो गया, यहाँ पर मोल भाव का सिस्टम हो गया, तो फिर यहाँ पर इन बाटिंग सिस्टम का, अदला बदली का सिस्टम समाप्त कर दिया गया। इस जानकारी के आधार पर नागरिक शास्त्र वर्तमान एवं भावी व्यवस्था के सुधार करने में मांग
बताता है, मतलब जब हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि हमने कौन सी गलती की, किस प्रकार से हमें यहाँ पर समस्या, जैसे कि कुछ लोगों ने क्या किया, दिल्ली की राजधानी को यहाँ पर दूसरे स्थान पे ठीक है ले जाने का प्रयास किया, लाहौर वगैरह या फिर और दूसरे स्थान पे ले जाने का प्रयास किया, तो वहां पर उन्हें सफलता नहीं मिली और आधे लोग रास्ते में ही अपने दम तोड़ देते। तो वो हमारी एक क्या है, नागरिक शास्त्र को एक क्या मिला, एक लर्निंग मिली, सीख मिली कि हमें इस तरह ऐसा नासमझ कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे यहाँ पर क्या जाए, समस्या क्रिएट हो जाए। इस पद्धति से दिए गए सुझावों के आधार पर नागरिक शास्त्र नागरिक के संस्थाओं घटना का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। वर्तमान नागरिक संस्थाओं का अपना इतिहास इतिहास है, इसलिए इन संस्थाओं के उदय और विकास की जानकारी ऐतिहासिक पद्धति के माध्यम से संभव है। इतिहास के अध्ययन के बिना नागरिक शास्त्र का अध्ययन सारहीन, क्योंकि इतिहास के माध्यम से प्राप्त तथ्य और नागरिक शास्त्र के अपने विषय सामग्री रूप भवन का निर्माण करता है। अतः इस विधि के माध्यम से नागरिक शास्त्र का अध्ययन सुगमपूर्वक किया जा सकता है। सावधानी, अब क्या क्या सावधानी रखे जाना चाहिए जब हम इतिहास के रूप में पढ़ रहे हैं, तो इस पद्धति का प्रयोग करते समय अध्ययनकर्ता को किसी भी प्रकार के पक्षपात या पूर्वग्रह से दूर रहना चाहिए, केवल प्रामाणिक तथ्यों पर विचार कर, मतलब जब हम लोग ऐतिहासिक रूप से विचार कर रहे हैं तो ऐतिहासिक रूप से विचार करने के लिए हमें बायस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बायस नहीं होना चाहिए किसी तथ्य के प्रति या किसी अपने विचार के प्रति, वहां पर पूर्वग्रह हमारे मन में पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं आना चाहिए कि हमारे जो मैं मान लिया कि जैसे हम लोग बात करें, भाई हम लोग अशोक की ठीक है फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं अशोक के बारे में यहाँ पर जाते बातें करता हूँ, भाई वहां पर बड़ा अच्छा व्यवहार था, बड़े अच्छे लोग थे, बड़े वहां पर अशोक ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसने आपने जाना कि कलिंग को विजय प्राप्त करने से पहले वो अशोक कितना ठीक है निर्दयी व्यक्ति था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बात करते हैं निर्दयता के बारे में, तो हमें यहाँ पर जब भी अपने विचार रखने हो ऐतिहासिक रूप से समझना हो नागरिक शास्त्र को, तो हमें पायस नहीं होना, हमें यहाँ पर एकदम निष्पक्ष होकर कार्य करना है, निष्पक्ष होकर अंडरस्टैंड करना है। दूसरा बात करते हैं पर्यवेक्षणात्मक पद्धति है। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति क्या है, कुछ विद्वान पर्यवेक्षण का अनुसंधान की निश्चित पद्धति मानते हैं। उनका मत है कि अनुसंधानकर्ता को सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं तथा उनकी कार्य प्रणाली को निकट से परीक्षण करके निष्कर्ष निकालना चाहिए, मतलब हमें यहाँ पर प्रैक्टिकली उनकी कार्य प्रणालियों को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। रिसर्चर के रूप में एक सामाजिक सोशियो रिसर्चर जो होता है वो अपने अनुसंधान से अपने रिसर्च समाज की कमियों को, दोषों को, उनकी विशेषताओं को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद निष्कर्ष निकालता है क्या सही है क्या गलत है, कि हम लोग एक व्यक्ति के राय पर ना जाकर पूरे समाज की राय ले, पूरे उनके समाज से रिलेटेड व्यक्तियों के बारे में राय ले, तब जाके हम लोग कहीं जाके चीजों को समझ पाते हैं। इस पद्धति द्वारा सामाजिक संस्था और समूह का पर्यवेक्षण अवलोकन कर इस बात की जांच की जाती है कि संस्थाओं का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पद्धति का प्रयोग करते समय अध्ययनकर्ता समाज के गठन, रीति रिवाज, राजनीतिक, सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का पर्यवेक्षण कर विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है और अपने अनुभव के आधार पर सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इस पद्धति का आधार व्यक्तिगत अनुभव होता है और इस अनुभव का संबंध वास्तविकता से होता है, इसलिए इस पद्धति से प्राप्त निष्कर्ष सत्यता के निकट होता है। मतलब यहाँ पर जो भी हम लोग अपनी कार्य प्रणाली को अपनाते हैं, संस्थाओं के बारे में अच्छे से समझे, अंडरस्टैंड करें, उनके बारे में समझ के रिसर्च करके अध्ययन करके कि समाज के गठन कैसे हुए, उनके रीति रिवाज क्या है, उनके राजनीतिक संबंध क्या है, सामाजिक जीवन क्या है, उनके बारे में रिसर्च करें, समझे, अंडरस्टैंड करें, तब जाके अपनी बातों को रखे और तब उनको यहाँ पर विश्वास दिलाए। और क्योंकि ये हमारी जो प्रणाली है नागरिक से संबंधित है और नागरिकों से रिलेटेड जो पर्सनल अनुभव है, उनके विचार ले, समाज के विचार ले, संगठनों के विचार ले, तब जाकर हमें इस बात पर पहुंचना चाहिए। मतलब हम लोग निष्कर्ष निकाले, वहां पर एकदम निष्पक्ष होकर निष्कर्ष निकाले और यहाँ पर संगठनों का यहाँ पर क्या ले, अपने अलग अलग लोगों से यहाँ पर राय ले, उनके विचार ले, उनके विचारों को समझ के अंडरस्टैंड करके तब हम लोग आगे बढ़े, तब हम अपनी बात को रखें। आगे बात करते हैं यहाँ पर उन्होंने इसी बात में 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान मोंटेक्स ने इस प्रणाली के अनुसरण किया। वह इंग्लैंड गए और उसने वहां की संसद राजनीतिक संस्थाओं का कार्य प्रणाली को बहुत ही अच्छा, मोंटेक्स की यदि बात करें यहाँ पर भारत की बात करें तो भारत में जो मोंटेक्स
जब छोड़ आए थे तो उन्होंने क्या वहां पर संसद में गए और संसद की राजनीति व्यवस्था के बारे में किया और बहुत ध्यान से देखा उसे। वह बहुत प्रभावित हो और उससे निष्कर्ष निकाला कि इंग्लैंड के शासन प्रणाली का सबसे बड़ा गुण है कि वह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब वहां पर स्वतंत्रता है, मतलब यहाँ पर जो शक्ति है एक व्यक्ति के हाथ में नहीं, जो पावर है वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं बल्कि अलग अलग व्यक्तियों को दी गई है, जिससे कि वहां पर एक ऑटोक्रेटिक शक्ति नहीं बन सके। मतलब मनचाही राजा की इच्छा नहीं हो सकती। राजा के पास भी एक सहायक समूह होता है और उसके साथ प्रयोग करते हैं, वर्क करते हैं, उनको सलाह देते हैं। जैसे इंडिया में भी है कि एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति नहीं है और इससे क्या होता है, शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, हर एक व्यक्ति के कार्य को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट है, फिर हमारे यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बड़े सोच समझ कर इस प्रकार से बनाया गया था कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी ना कर सके। उस पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी आयोग का, कमीशन का यहाँ पर क्या किया जा सके, बंधन बांधा जा सके उसको। अब इसमें कुछ सावधानियां हैं कि करना है। इस पद्धति का प्रयोग करते समय अध्ययनकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अध्ययन सामान्य अनुभव और कल्पनाओं पर आधारित न हो। मतलब यहाँ पर जो अध्ययन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, वो रियल वास्तविकता से जुड़ा हो, अपने अनुभव पर ना हो बल्कि लोगों के विचारों पर, उनके एक्टिविटी पर आधारित हो। उनको रियल टीम में चेक किया जाए, उन घटनाओं को देखा जाए कि जो घटी है। अध्ययनकर्ता के दृष्टिकोण भी पूर्वग्रह से मुक्त हो, पक्षपात रहित हो, उदार हो। मतलब जैसे मॉन्टेक सिंह कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, संसद में गए थे और वहाँ की कार्य प्रणाली को जज किया देखा, तो इसी प्रकार से हमें भी क्या करना है, अपने जब कार्य प्रणाली को इस सिद्धांत को रख रहे तो निष्पक्ष होकर और यहाँ पर पक्षपात रहित, पक्षपात नहीं करना, उदार होकर बिल्कुल एकदम यहाँ पर नॉर्मल रूप से हमें अनुसरण करना है, तब जाके ये सही चीजों को हम लोग जज कर सकते हैं। दूसरा है तुलनात्मक पद्धति, यहाँ पर इसे कंपेरिजन मेथड के रूप में पढ़ा जा सकता है। तुलनात्मक पद्धति नागरिक शास्त्र के अध्ययन की सर्वाधिक प्राचीन पद्धति है, इसे हम लोग प्राचीन पद्धति याद रखेगा। प्राचीन पद्धति कौन सी, तुलनात्मक पद्धति, सबसे प्राचीनतम पद्धति तुलनात्मक पद्धति को माना जाता है। यह पद्धति अति उपयोगी है, इस पद्धति को ऐतिहासिक पद्धति के समान कहा जा सकता है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धति एक दूसरे की पूरक है। इस प्रणाली के अंतर्गत सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं, मतलब यहाँ पर तुलनात्मक पद्धति ऐतिहासिक और जो ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धति है वो किसके हैं, एक दूसरे के पूरक है। तो याद रखिए क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू टाइप में, फर्स्ट पेपर में, प्री में आपका बनता है, ये पीटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस प्रणाली के अंतर्गत सामाजिक राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, इसमें तथ्यों को संकलित कर उनका तुलनात्मक विश्लेषण, मतलब यहाँ पर जो तथ्य होते हैं, जो यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर जो उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है उनका निष्कर्ष निकाला जाता है कि वास्तविकता में रियलिटी क्या है, सही पॉइंट्स क्या है, सही तथ्य क्या है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। दूसरा यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर तुलनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया, तो याद रखिए ये भी एक पॉइंट बनता है, पीटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलनात्मक पद्धति यानी कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग किसने किया था, अरस्तु ने किया था। उसने अपने आदर्श राज्य के विवरण, तो आदर्श राज्य क्या था, अरस्तु का आदर्श राज्य था आर्यल स्टेट के रूप में कहा, और 158 कंट्रीज को यहाँ पर इन्होंने स्टडी किया और उनके आधार पर इन्होंने अपने विचार रखे थे। याद रखना इसे हम लोग तुलनात्मक पद्धति कहते हैं, तुलनात्मक पद्धति के रूप में उन्होंने अपने आदर्श राज्य को स्थापित किया था। आधुनिक विद्वानों में मॉन्टेस्क्यू, सर हेनरी डी टॉकवेल, लॉर्ड ब्राइस आदि ने इस पद्धति का उपयोग अपने अध्ययनों में किया। मतलब जो हमारे यहाँ पर भारत में जब यहाँ पर अंग्रेज शासन था, जो भी यहाँ पर शासन के लिए आए, तो यहाँ पर इन्होंने भारत में शासन व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर स्थापित करने के लिए, तो इन लोगों का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। मॉन्टेक्स ने फ्रांस और इंग्लैंड के संविधानों की तुलना कर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादन किया। तो इन्होंने याद रखिए मॉन्टेक्स का यहाँ पर फ्रांस और इंग्लैंड के संविधान को यहाँ पर जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन का सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल दिया था, किसने दिया था, मॉन्टेक्स ने शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं लोकतंत्र के गुण दोषों की विवेचना करने से पूर्व विभिन्न लोकतंत्रीय देशों की सावधानियों को तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। मतलब हम लोग यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पर कुछ भी सही गलत कहने से पहले हमें अन्य कंट्रीज के यहाँ पर जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उनको यहाँ पर स्टडी करनी चाहिए। तो बिल्कुल उसी प्रकार से भारत का जो संविधान तैयार किया गया, भारत के जो संविधान को यहाँ पर बनाया गया है वो किस प्रकार से बना, मतलब तुलना करके बनाया गया है। आप देखते हो यहाँ पर भारत का संविधान बनाने में किसी एक कंट्री का यहाँ पर आर्टिकल्स नहीं है, नहीं वहाँ पर टॉपिक्स है, ना कोई यहाँ पर कंटेंट है। तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों का, जर्मनी का भी है, अमेरिका का भी है, यूएसए से भी है, ठीक है, इंग्लैंड से भी लिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग
फ्रांस से भी लिया गया, इंग्लैंड से भी लिया गया, आयरलैंड से भी लिया गया, तो अनेक देशों की यहाँ पर तुलना करके कि जिसमें जो बेस्ट चीज है वो हमने अडॉप्ट कर ली और उसी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का निर्माण किया गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारा मांगा हुआ संविधान, भाई मांगा हुआ है लेकिन हमने अच्छी चीज ली, जिस तरीके से बड़े व्यक्तियों के अच्छे गुण जो होती है, विशेषताएं होती है, हम उन्हें ग्रहण कर लेते, ऐसे तो नहीं उनकी बुरी आदतें भी ग्रहण कर लेते कि वही किसी ने व्यक्ति ने लड़की को छेड़ा तो उससे भी हम लोग लड़कियों को छेड़ेंगे, नहीं, बल्कि ये गलत बात है हमें कि उन्होंने लड़कियों को किस तरीके से बचाया, किस तरीके से उनके सेफ किया, उनको किस तरीके से रेस्पेक्ट दिया, तो वो हमें ग्रहण करना है, नहीं कि बुरी बातों को ग्रहण करना है। तो ये हमारे देश की विशेषता है। भारत के संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधान को तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही एक अच्छे भारतीय संविधान का निर्माण किया था, अतः पद्धति नागरिक शास्त्र के अध्ययन में उपयोग महत्वपूर्ण, मतलब हमारे जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है कहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन के रूप में किया गया, तो ये बात किसी बात को हमें दर्शाती है। आगे बात करते हैं प्रयोगात्मक विधि, इसे प्रैक्टिकल मेथड भी कहते हैं। इस पद्धति में प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रयोगशालाओं में यानी कि जिस तरीके से साइंस जो हमारे काम करते हैं, भौतिक साइंस है, केमिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, उसी तरीके से यहाँ पर नागरिक शास्त्र में भी अपने अध्ययनकर्ता के रूप में हम लोग यहाँ क्या करते हैं, प्रयोगशालाओं में रिसर्च निकालते हैं, संपूर्ण मानव समाज में ही प्रयोगशाला के रूप में मानते हैं और उस पर विचार करके आगे बढ़ते हैं। तो कामटे के अनुसार ये बड़े अच्छे समाजशास्त्री थे और बड़े प्रसिद्ध समाजशास्त्र थे, हमारे सर हुए करते थे समाजशास्त्र के, तो उन्होंने काफी अच्छे से हमें समझाया भी था, बताया था। राज्य में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन एक राजनीतिक प्रयोग होता है, मतलब राज्य में कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी डेवलपमेंट होता है, कोई भी चेंज होता है, तो वो क्या होता है, राजनीतिक प्रयोग होता है। कैसा होता है, पॉलिटिकल चेंज आता है। इसी प्रकार प्रत्येक नया कानून भी एक प्रयोग होता है, विभिन्न वैज्ञानिक सांख्यिकी पद्धतियों के आधार पर एकत्रित किए गए तथ्य भी नागरिक शास्त्र के अध्ययनकर्ता द्वारा प्रयोग किया जाते हैं जिन्हें वह व्यवहारिक रूप से देखता है। सावधानियां क्या रखनी चाहिए, प्रयोगात्मक पद्धति को अपनाते समय अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण निष्पक्ष होना चाहिए, उसे प्रयोग से संबंधित परिस्थिति का पूरा ज्ञान रखना चाहिए, मतलब यहाँ पर क्या ज्ञान होना चाहिए, जो आजकल की यहाँ पर घटनाएं घट रही है उनके बारे में उसे पता होना चाहिए, प्रयोग कैसे करते हैं उसका पता होना चाहिए, रिसर्च कैसे करना है उनका पता होना चाहिए, तो मतलब जो प्रयोग करता है, जो अध्ययन करता है, रिसर्चर है, जो स्टडी कर रहा है, उसको यहाँ पर सारी चीजों का बारे में बारीकी से पता, मतलब वो खुद एक अनुभवी व्यक्ति हो, एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति हो, एक अच्छा ज्ञाता हो, तो वही इसका प्रयोग करें। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं दार्शनिक पद्धति, इसके बाद करें फिलोसफिकल मेथड है यहाँ पर, यह एक काल्पनिक पद्धति है जिसमें कल्पनाएं विचारों के आधार पर अध्ययन किया जाता है, मतलब इसे कैसे यहाँ पर हाइपोथेसिकल विचार रखे जाते हैं या फिर मानवीय विचारों में रखा जाता है, ठीक है, कल्पना की जाती है। पद्धति पूर्व निश्चित मान्यताओं सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए तर्क और कल्पना द्वारा उनका विश्लेषण करती है और विशेष अवस्था व्याख्या करती है। इस विधि का प्रयोग प्लेटो, हॉब्स, रूसो, सर टॉम्स मूर, कांट, हेगल, बोसांग के आदि ने किया, क्योंकि यह पद्धति वास्तविकता से दूर है, अतः इस पद्धति का प्रयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए, मतलब ये वास्तविकता से रिलेटेड नहीं है। क्या है, ये वास्तविकता से रिलेटेड नहीं है, तो इसको यहाँ पर ज्यादा लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्लेटो, हॉब्स, रूसो, सर टॉम्स रो, इन लोगों ने भी फिर भी इसको वर्क इसका सपोर्ट किया। प्लेटो का, रूसो का, रूसो का सिद्धांत रहा है, प्लेटो ने, हॉब्स ने, तो ये आपस में तीनों कुछ लोग तो ये जुड़े रहे थे, इनका एक अपना ही सिद्धांत चलता था जो कल्पना विचार मानते थे, ठीक है, राज्य के निर्माण कर दिया करते थे अपने विचारों में, लेकिन ऐसा होता नहीं था। बात करते हैं आगे वैज्ञानिक पद्धति, सबसे महत्वपूर्ण पद्धति रूप में माना जाता है। जर्मनी के राजनीतिक चिंतक होते थे, फ्रांसीसी विचारकों ने नागरिक जीवन के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने पर जोर दिया। कौन से थे यहाँ पर राजनीतिक, जर्मनी और फ्रांसीसी जो चिंतक थे, विचारक थे, यहाँ पर उन्होंने सबसे ज्यादा किसको बल दिया, वैज्ञानिक पद्धति को बल दिया। इस पद्धति में राज्य को एक वैज्ञानिक इकाई निगम के रूप में माना, क्या माना उन्होंने, वैज्ञानिक इकाई, ठीक है, यहाँ पर साइंटिफिकली यूनिट के रूप में माना है, निगम के रूप में माना है, कॉर्पोरेशन के रूप में माना है, जिसका कार्य कानून बनाना, मतलब यहाँ पर वो कहते हैं इसका जो फंक्शन होता है स्पेशल, उसे यहाँ पर मेकिंग लॉज एंड यहाँ पर एग्जीक्यूट लॉज, यानी कि उनको फंक्शनिंग करना, उनके रूल बनाना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, उसको लागू करना, ये कार्य किसका होता है, ये वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा नागरिक शासक होता है। इस प्रणाली के अनुसार राज्य वैधानिक अधिकारों, जो हमारे यहाँ पर लीगल जो स्टेट लीगल अधिकार है, यहाँ पर ड्यूटीज है और हमारे कर्तव्य और हमारे राइट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं, एक समूह है, परंतु इस प्रणाली के दोष है, यह इसके द्वारा उन सामाजिक शक्तियों को भुला दिया जाता है जो संविधान, कानून और मानवीय संबंधों के आधार पर, मतलब यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि वैज्ञानिक में कि यहाँ पर मानवीय संबंधों, मानवीय मूल्यों को भुला दिया जाता है और उसके इतर कार्य किया जाता है, तो इसलिए इसका दोष भी है। तो याद रखिएगा इसका क्या दोष है,
मानवीय मूल्य को नहीं ध्यान रखती। दूसरा है जीवशास्त्रीय पद्धति। जीवशास्त्रीय यहाँ पर पद्धति रखी जाती है। इस पद्धति के प्रणेता हर्बर्ट स्पेंसर है और ब्लंस अली है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर और ब्लंस अली यहाँ पर विशेष बल देते। इन विद्वानों के द्वारा राज्य को एक साफ पैमान कर नागरिक और राजनीति जीवन के अध्ययन हेतु जीवन शास्त्रीय पद्धति के रूप अपनाने पर बल देते हैं। किस पर? जीवन शास्त्रीय पद्धति को बल देते हैं। नागरिक शास्त्र के अध्ययन में आवश्यकता परिस्थिति के अनुसार सामान्यतः सभी परिस्थितियों को पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये विभिन्न पद्धतियां परस्पर विरोधी नहीं है, वरना एक दूसरे के सहायक व पूरक होती है। वर्तमान समय में नागरिक शास्त्र के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर कौन सी पद्धति सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है? ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, इसलिए इनको यहाँ पर सर्वाधिक बल दिया जाता है और यही श्रेष्ठ मानी जाती है। तो ये आपका पीटी का क्वेश्चन बनता है, जो यहाँ पर नागरिक शास्त्र के अध्ययन की जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है वह कौन सी है? ऐतिहासिक और तुलनात्मक विधि है, जिसे हिस्टोरिकल और कंपेरिजन मेथड के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसके आधार पर तथ्यों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है और सत्य के निकट पहुंच जाते हैं। तो ये हमारी कुछ पद्धतियां हैं। तो इसमें आपने क्या देखा, किस तरीके से सीखा, क्या आपको ये सही लगा, क्या आपको ये उचित थी पद्धति विधियां? तो यदि आपको समझ आया, अंडरस्टैंड हुआ, तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, और आपने यहाँ पर नया कुछ सीखा तो जरूर बताइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको पता चल सके। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।